नमस्ते बच्चों, आज हम पार्ट 3 उपहार भाग 1 देखने वाले हैं। आपने परियों की कहानियां देखी या सुनी जरूर होगी। ये परिकथाएं सदियों से दुनिया भर में प्रचलित है। ये कहानियां आपका मनोरंजन तो करती है, लेकिन साथ ही मानसिक विकास करने में भी मदद देती है। जब आप किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हुए घबरा जाते हैं या उदास हो जाते हैं, तो ऐसे में ये कहानियाँ आपको साथ देती है या आपका धैर्य बढ़ाने में मदद करती है। जीवन में आने वाले कठिन परिस्थितियों का बहादुरी, समझदारी से सामना करने का संदेश ये कथाएँ हमें देती है। आगे चलकर जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करना, उनका आत्मविश्वास और दृढ़ता से आगे बढ़ना ये कहानियाँ सिखाती है। पर बच्चों, परी ये एक काल्पनिक पात्र है। इस पाठ के माध्यम से हमें मानवीयता, परोपकार, प्यार, सम्मान, बलिदान और कड़ी मेहनत, ऐसे नैतिक मूल्य सीखने को मिलते हैं। तो बच्चों, हमारे इस पाठ का जो ऋत्विक है, ये लगभग आप ही की उम्र का है। जैसे कि अगर गांव में कोई मेला लगा है तो आपको भी वहां जाने का मन करता है, उसी तरह ऋत्विक को भी पुस्तक मेला देखने और पुस्तकें खरीदने मेले में जाना था, जिसके लिए वो अपनी माँ से हट करता है। लेकिन माँ उसे रोक देती है, क्योंकि मेले में बहुत भीड़ होती है, ऐसी जगह अकेले जाना ठीक नहीं होता है। ऋत्विक का ध्यान हटाने के लिए माँ उसे दूध पीने के लिए कहती है, पर ऋत्विक के मन में तो मेला देखने जाने की ही बात लगी रही है। वो उसी बात पर अड़ा हुआ है। माँ उसे समझाती है, बेटे देखो, घर में कोई बड़ा नहीं है तुम्हारे साथ जाने के लिए, तो तुम मेला देखने की जिद छोड़ दो। पर ऋत्विक नहीं मानता है, क्योंकि उसके सारे दोस्त मेला देखने के लिए जाने वाले हैं। तो ऋत्विक उदास होकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। वो उदासी में वही बैठा हुआ है, तभी उसकी दृष्टि अचानक एक दूर पेड़ों के पीछे जाती है, जहां से बहुत तेज रोशनी आती है। उसके मन में प्रश्न उठता है कि अरे, ये पेड़ों के पीछे से रोशनी कैसे आ रही है? तो वो वहां जाकर देखने की कोशिश करता है, और जाकर देखता क्या है, वहां पर सुनहरे पंख वाली एक परी खड़ी है। ऋत्विक उसे देखकर एकदम हैरान ही हो जाएगा। सोचिए, अगर आप भी कभी उदास है और आपके सामने भी कोई ऐसी परी आ जाए तो क्या होगा? आप भी तो हैरान रह जाओगे, है ना? उसी प्रकार ऋत्विक भी हैरान हो गया, और उसने उस परी से सवाल किया कि तुम कौन हो? परी ने कहा कि मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? अब जैसे ही परी ने ऋत्विक से यह सवाल किया, ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि कारण तो आपको पता ही है कि उसको मेला देखने जाना था और माँ ने उसे मना कर दिया था, और मन में जो बात थी उसी पर परी ने सवाल किया, तो ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। ऋत्विक ने परी को बात बताई कि उसे अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखने जाना था और पुस्तकें भी खरीदनी थी, पर माँ ने उसे मना कर दिया है। ऋत्विक ने परी से कहा और वो खामोश हो गया, चुप बैठ गया। तब परी ने उसे समझाया, उसे धैर्य देने का प्रयत्न किया कि अरे, मेला देखने नहीं गए तो इसमें दुख की क्या बात है? बस तुम अब इतना समझ लो कि मैं आ गई हूँ, मैं तुम्हारी मदद के लिए ही आई हूँ। अब देखो, मैं तुम्हारी एक परीक्षा लूंगी। अगर इस परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हो जाओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी मनचाही चीज दूंगी। उत्तीर्ण होना यानी परीक्षा में सफल हो जाना। अब ऋत्विक को समझ नहीं आता है कि परीक्षा, कैसी परीक्षा? उसने परी से सवाल किया। परी ने कहा, यदि मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं कौन सी परीक्षा लेने वाली हूँ, तो वो परीक्षा तो नहीं रहेगी। आगे ऋत्विक ठीक कहता है, और ऐसा कहकर वो चल देता है। अब वो थोड़ी सी दूरी पर ही जाता है कि रास्ते में उसे एक पोटली मिलती है। पोटली यानी छोटी सी थैली। ऋत्विक को उस पोटली को देखकर ऐसे लगता है कि अरे, ये लाल रंग की मखमली पोटली, इसमें जरूर कोई कीमती चीज होगी, क्योंकि वो पोटली कोई साधारण थैली नहीं थी,
वह एक बहुत ही सुंदर ऐसी थैली थी। तो ऋत्विक उसको उठा लेता है और खोलने की कोशिश करता है या उसे खोलना चाहता है, लेकिन फिर उसके मन में आता है कि अरे, ये पोटली अगर इतनी सुंदर है, मखमली है, तो जरूर इसमें कोई कीमती चीज़ होगी। तो ये जब ये पोटली मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मेरा कोई हक नहीं है। तो बच्चों देखिए, ऋत्विक यहाँ पर उसकी ईमानदारी दिखा रहा है या उसके भोलेपन का उसकी भोल उसका भोलापन हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वो उस पोटली को नहीं खोलता है क्योंकि उसमें कोई कीमती चीज़ हो सकती है और जो चीज़ हमारी नहीं है उसे हमें नहीं देखना है या नहीं लेना है। वह कुछ थोड़ी दूरी पर ही जाता है कि उसे रास्ते में एक राहगीर मिलता है। राहगीर यानि पथिक, यानि रास्ते से गुजरने वाला एक व्यक्ति उसे मिलता है और वो उससे सवाल करता है, बेटा मेरी एक पोटली रास्ते में गिर गई थी, क्या तुमने उसे देखा है? अब ऋत्विक को याद आता है कहीं वो वही लाल रंग वाली पोटली तो नहीं है, पर ऋत्विक वो पोटली उसे ऐसे ही नहीं दे देता है। पहले वो उस राहगीर से उस पोटली की जानकारी पूछता है। वो पोटली कैसी थी? राहगीर बताता है, लाल रंग की थी। ऋत्विक ने केवल इतना ही नहीं और उनसे पूछा कि और कोई पहचान बताओ उस पोटली की। तो राहगीर ने बताया, हाँ, उस पर एक सुनहरे रंग के परी का चित्र बना हुआ था। अब ऋत्विक को याद आता है कि अरे, ये तो वही पोटली है जो मुझे रास्ते में मिली है। तो ऋत्विक वो पोटली उस राहगीर को दे देता है। पर बच्चों, जब वो पोटली उस पर अपनी थैली से निकालता है तो उस पर छपा परी का चित्र अचानक से चमकने लगता है, पर फिर भी उसके मन में कोई भी लालच पैदा नहीं होता है। ऋत्विक वो पोटली उस राहगीर को दे देता है। तो बच्चों, हमने आज उपहार इस पाठ का भाग एक देखा। तो इस पाठ में ऋत्विक, ये जो नाम आया है ये संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। गाव ये शब्द भी आया है प्रथम परिच्छेद में, ये जातिवाचक का उदाहरण है। दूध ये द्रव्यवाचक का उदाहरण है। इस पाठ में मुहावरे का भी उल्लेख हुआ है, आंखें भर आना। यहाँ पर ऋत्विक की आंखों में आंसू आए तो ये एक मुहावरा है, आंखें भर आना, जिसका अर्थ होता है दुखी हो जाना। अब आगे चलकर ऋत्विक उस पोटली को देने के बाद परी उसे क्या इनाम देती है, ऋत्विक परीक्षा में उत्तीर्ण होता है या नहीं होता है, ये हम पाठ के भाग दो में देखेंगे। धन्यवाद।